так дать пацана, считать потери. Сумы нули, погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шее. Эй, как там бан, правый назад. अस्सलाम वालेकुम जी फवाद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट, आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं इधर जो है मास्टर सिटी में आपको देख के माशाल्लाह से बड़ा खुशी हुई, और मैं दूर से आपको देख रही थी, मैंने कहा लग तो फवाद साहब ही रहे हैं, तो चले इनसे मुलाकात भी होगी, बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, और सुनाएं कैसा चल रहा शौक आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब अच्छा चल रहा है। आप बताएं आपके बर्ड्स कैसे जा रहे हैं, आपके पेट्स कैसे जा रहे हैं? मेरे माशाल्लाह पेट्स काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। एक तो ये आपके पास ही ये पीछे बैठे हुए हैं, और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये माशाल्लाह टेम बर्ड जो है ना, मैं यहाँ लेके आई हुई हूँ। और आप सुनाएं, मतलब सारे लोग आपसे कॉल करके के पूछते हैं चीता लेना है, शेर लेना है, क्या क्या आपने रख लिया हुआ? बस लाइंस वगैरह, वाइल्ड पेट्स का शौक था तो वाइल्ड पेट्स, लाइंस वगैरह, डियर्स वगैरह, और उसके बाद पिजन्स वगैरह, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टेम और पेट्स हैं ना, जो भी हम चीज़ को पेट रख सकते हैं, वो हर चीज़ रखी हुई है और वो शौक का है। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, आपका वैसे भी हम चैनल फेसबुक पे देखते रहते हैं, और फेसबुक पे आपको शेरों के साथ खेलते देख के जो बड़ा अच्छा लगता है, और दिल करता है कि आपको विजिट करें हम वहाँ जाएं। आदमी इंशाल्लाह वेलकम, आप आए, और ये मेरे लिए भी खुशी होगी कि न्यू मैं शौक डेवलप करूँगा लोगों के अंदर। और मैं एक चीज़ लाजमी कहना चाहूँगा कि मैंने आपके बर्ड्स पहले आकर देखे जब मैंने विजिट किया। एक होता है टेम, वो टेम में होता ये है कि वो हल्की सी बाइट लाजमी कर देते हैं। मैंने स्पेशली, आप नहीं थे इधर, मैंने ना उनकी बीक को पकड़ के चेक किया, लेकिन उन्होंने किसी ने बाइट नहीं किया। और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह ही पॉसिबल होता है जब आप उस पर प्रॉपर केयर करें, उनकी हेल्थ अच्छी रखें। माशाल्लाह टेल भी फुल है और हेल्थ भी, फीडर्स वाइज भी बहुत अच्छे हैं। जी इस मामलात में तो मतलब आप हमारे उस्ताद ही हैं, ये समझ लें, बेशक एज में आप छोटे ही हैं तो, लेकिन ये है कि वो जब आपका फेसबुक पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो वो कुछ सुजेशन उधर से भी ले लेते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब ये जो यूट्यूब पे आप सुजेशन दे देते हैं या एनिमल्स को रखने के लिए। सम टाइम आपने डॉग के बारे में बताया था कि, तो उसको भी मैंने अडॉप्ट किया, और मेरे पास ऑलरेडी एक डॉग है ये जो रशियन, तो वो भी अभी आ जाएगा, वो भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करवाएंगे। बाकी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी, और एक ही बात कहूँगा, इसी तरह ही तमाम एनिमल्स के साथ लव करें और इस हॉबी को प्रमोट करें, ताकि बेजुबान जानवरों के साथ हम प्यार करें और वो बोल नहीं सकते, हम उनकी जुबान पर जान सकें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं, और सर कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी हम गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। सर आप यहाँ ऑर्गेनाइजर हैं? जी ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सर आपको मेरा सेट कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह किसी वक्त मिला, किसी दिन तो आप इंटरव्यू करेंगे। जी जी थैंक यू। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। जी जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? सर आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। सर कैसा लगा हमारा सेटअप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर आप अपना इंट्रोड्यूस करवाएं थोड़ा सा। जी मेरा नाम आबिद हुसैन गुराया। ओके बिल्कुल, सीएनएन से हूं मैं, चीफ एग्जीक्यूटिव। जी माशाल्लाह। तो इधर ये प्रोग्राम के वाले सर। जी जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर कैसे तशरीफ लाए हैं आप? माशाल्लाह सर, थैंक यू। अच्छा सर मेरा ये छोटा सा सेटअप कैसा लगा आपको यहाँ? मैंने बहुत प्यारा लगा, आप सब एग्री हैं इस बात पे? जी बहुत शुक्रिया सर। मैं उम्मीद करूँगी सर आप भी सीएनएन से हैं, तो आप थोड़ा सा प्रमोट करें, तो चले। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक शुक्र अल्लाह का। तो जी भैया, आज हमारे गुजरांवाला पेट शो में आप कौन सा डॉग लेके आए हैं? ये मैं जर्मन शेफर्ड लेके। तो जी भाई ये कौन सी काउंटी में है? ये भाई डबल कोट में है। डबल कोट जर्मन शेफर्ड? जी जर्मन शेफर्ड। आप इसका साइज कितना है? ये तकरीबन दो
ढाई फिट का है। तो शो में आज इसको विनर नंबर आया या दूसरे नंबर पे आया? ये सेकंड नंबर पे आया। सेकंड नंबर पे आया, ठीक हो गया। तो इसकी आप कितनी यानी के केयर करते हैं, इसको क्या डाइट में इसे क्या यूज़ करवाते हैं? ये सर मुर्गी के पंजे वगैरह खाता है जी, और ओजरी वगैरह खाता है जी, चिकन वगैरह खाता है। तो इसको किस टाइम की क्या चीज़ देनी चाहिए? ये क्यों वो डॉग पे डिपेंड करता है वो किस हालत में है जी जी, वो उसको क्या फीड देनी चाहिए ये उसके मुताबिक ही होता है जी। तो इसको आप यानी के एक वीक में कौन कौन सी चीज़ यूज़ करवाते हैं? ये तकरीबन दो से तीन दिन बाद इसको जो है ना वो ओजरी वगैरह डालते हैं हम इसको जी, और पंजे वगैरह रेगुलर खाता है ये, ठीक होगा। दूध वगैरह भी डालते हैं इसको। तो ज़रा इसे हमारे व्यूअर्स के सामने करके दिखाइएगा इसका साइज़ वगैरह जी। तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस डॉग का साइज़, ये आज विनर में भी आया है पेट शो, फर्स्ट टाइम ही हुआ ना हमारे गुजरांवाला में। तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा जो आपको ये मिला ही ना इनाम, ज़रा हमारे व्यूअर्स से ये भी शेयर कर दें जी। ये ट्रॉफी है इसकी। तो जी व्यूअर्स इसको आज ट्रॉफी मिली है, लेकिन सेकंड टाइम इंशाल्लाह ये और डॉग, आप और डॉग लेके आएंगे या ये जी है वो, लेकिन वो छोटे हैं। अच्छा, तो सेकंड टाइम इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा, ठीक होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे, ठीक हो। एक रेड स्नेक है या ये नॉन फैरन स्नेक है, इससे आपको डैश हो जाए तो कोई खतरा नहीं है। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इसकी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इसको मार देते हैं, जिस वजह से हमारा इकोसिस्टम बहुत खराब हो गया। अब उस वजह से हमें मेडिसिन यूज करने को कुछ नहीं पड़ता है। पहले ये सांप से वो हमारे गांव से दूसरे एनिमल से, लेकिन अब हम उसके लिए मेडिसिन यूज करते हैं। तैयब के लिए क्लैपिंग कर दें कि वो इतनी अच्छी अवेयरनेस कैंप गुजरांवाला में कर रहे हैं। थैंक यू। चले अब सब नीचे बैठ गए, फिर हम आपको ऊपर बुलाते हैं, जो कैश प्राइज है फिर हम आपको देंगे। सब नीचे बैठ गए, और जो आप सबकी पिक्स है हमारे पास वो आपको हनी पैट्स के ऑफिशियल पेज से मिल जाएंगी। ये भाई आए हैं, इनको मौका देते हैं भाई, ये आपने अपनी जिम्मेदारी पे उठानी है, इसके हमने क्या नाम है आपका? जुआ जुए से पैसे कमाने दे, गाने साथ म्यूजिक बनाने दे, आग लगाने दे, जिंदगी गाड़ी दो लगाने दे, टुक टुक निकालूंगा सीधा चक्का लगाने दे। और किसकी तरह कर दिल वो
ये इंडियन लोग पाकिस्तान का नाम लेने से हमारे पाकिस्तान की ब्रीड नहीं है, इंडिया की ब्रीड है। वो बैठ जाओ इधर से। देख के क्या करते हो? ये जो आपने इस टाइम बड़ा स्नेक देखा है, इसका नाम है इंडियन रॉक पाइथन। तो बेटा ये नॉन जेनेटिक होता है, मतलब इसके अंदर जहर नहीं होता, लेकिन ये अगर आपको अटैक करते हैं तो आपको फीवर होगा, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। अगर आप डरेंगे तभी आपको उसका कोई सीवियर अटैक होगा। और दूसरी बात ये है कि इसकी लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। और दूसरा ये अटैक दो तरीके से करता है, एक या आपको दबा के हड्डी वगैरह कोई इस तरह की बोन तोड़ देता है, या दूसरा ये आपको पूरा मतलब आपका मुंह से अंदर ले लेता है, मतलब कि आप पूरा इंसान ये खा सकते हैं। हम जो खत्म करेंगे अभी भी कुछ करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, अगर खत्म करना है तो क्लैपिंग करते हैं, नहीं करते ये ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है और इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये आपको अटैक करता है, हड्डियाँ आपकी तोड़ सकता है, इसके अंदर ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लेकिन इसको हाथ वगैरह लगाने से आप परहेज करें, इससे बचना भी अच्छा है, लेकिन अगर ये आपको काट ले तो इसका जहर आपको असर नहीं करेगा। शुक्रिया जी। तो जी भाई ये ऑस्ट्रेलिया की लिजर्ड्स हैं। तो ये बाइट वगैरह नहीं करते? नहीं ये बाइट नहीं करती, ये फ्रेंडली होती हैं, ये जंगलों में नहीं पाई जाती जी। तो इनका साइज नहीं होता है इससे बड़ा जी, इनका साइज इतना ही रहेगा। तो ये इनकी फीड वगैरह, इनकी खुराक क्या आप इनको? इनकी फीड बिल्कुल नॉर्मल ही है, जो फिश की होती है फीड, ये वो फिश की फीड यूज करती हैं। तो बस इनका और कुछ नहीं डाला जाता। जी सर, चले बच्चे दरमियान में आए। जी जी, ये पाइथन स्नेक है, तो ये इसमें जहर नहीं होता, ये बाइट करते हैं। इसकी डाइट जो है ना, ये नहीं लगाना, लूटी लगानी बच्ची हैं, आंटियां नहीं। इसकी जो डाइट है, इसकी डाइट इसको हम ला के देते हैं चिकन वगैरह, और या इसको हम जिंदा खरगोश दे देते हैं, ये खुद ही खा लेता है। तो एक वीक में कितना, एक दिन खाना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, ये एक मंथ में एक दफ़ा खाता है बस। एक मंथ में एक दफ़ा खाता है बस। तो ड्रैपिंग वगैरह भी करता है? जी बिल्कुल, ड्रैपिंग भी करता है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ आप लेके आए पेट शो? जी बिल्कुल, हमारे पास लिजर्ड भी हैं और स्नेक भी हैं। तो उनके अलावा तो अभी दूसरा स्नेक भी खाता हूँ। तो जी भाई, ये स्नेक का क्या नाम है? बुआ। बुआ दो मुंह वाला सांप जो होता है। दमुआ कहते हैं? हाँ जी, दमुआ। दमुआ। तो इसकी एज कितनी है? इसकी एज होगी तकरीबन 5-6 मंथ होगी। 5 से 6 मंथ जी। इसकी भी डाइट, इसकी डाइट थोड़ी लो होती है, चिकन वगैरह मतलब कलेजी वगैरह हो गई, पोर्ट वगैरह हो गई, ऐसी चीजें। ठीक है, तो आप हमारे भी बस जरा ये भी शेयर कर दें कि ये पेट शो किस जगह पे लगता है। ये पेट शो मास सिटी में बी ब्लॉक में ऑर्गेनाइज किया गया है, हनी पेट के नाम से जी। तो ये किस दिन लगता है? ये फिलहाल कोरोना के बाद इस दफ़ा पहली दफ़ा लगा है, वरना हर मंथ की लास्ट को कोशिश होती है कि ये लग जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह।